हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल द कनेडियन टॉक्स पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही आप कनाडा लैंड करते हो, लैंड करने के बाद आपने कौन कौन से जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेने हैं, और कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे यहाँ पे आते ही आपको लेने पड़ेंगे, अगर आप जैन इनटेक में आ रहे हो या फिर आप अदर इनटेक में भी आ रहे हो तो भी। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, सो दैट आपको जो आने वाली इन्फॉर्मेशन है आप उसके बारे में जानकारी ले सके। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने आते ही काम करना है वो है अपना ट्रांजिट पास लेना। ट्रांजिट पास क्या होता है, उसमें आपको राइट्स दी जाती हैं। तो आप जिस भी सिटी में जाते हो, हर सिटी का अपना अपना एक ट्रांजिट पास अलग अलग होता है। टोरंटो में जाओगे तो उनका अलग होगा, अगर आप विंडसर में आते हो या किसी भी अदर सिटी में जाते हो तो हर किसी का अपना ट्रांजिट पास होगा, जो क्या है, लोकल बसेस चलती हैं इनकी। सो उसमें क्या रहेगा, आपको राइड्स मिल जाती हैं। तो उन राइड्स का इस्तेमाल करके आपने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है, या आप घर सर्च कर रहे हो या ग्रॉसरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कहीं पर भी जाना आना जो है वो ईजी रह जाता है। तो सबसे आप पहले क्या है, आप अपना जो ट्रांजिट पास होता है वो लेते हो यहाँ पे आके। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहता है वो है आपको आपका सिन नंबर लेना पड़ता है। तो विदाउट सिन आप कहीं पे भी जो है वो जॉब नहीं कर पाते हो, बिकॉज सिन जो होता है उस पर आपका रिकॉर्ड जो है वो चढ़ता है। तो सिन नंबर लेना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज उसके बगैर आपको जॉब लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप आने के बाद अपना जो सिन नंबर है वो ले लें। सिन नंबर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो यहाँ से आप अपनी सारी जो जानकारी है वो ले पाएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरीके से लेने हैं। थर्ड, आपको आते ही यहाँ पे अपना हेल्थ कार्ड जो है वो अप्लाई करना है, अपना हेल्थ कार्ड ले लेना है, सो दैट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम या कोई भी मेजर प्रॉब्लम, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है वो पे ना करना पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो हेल्थ कार्ड में है जो सर्विसेज होती हैं वो फ्री होती हैं, कोई भी हेल्थ रिलेटेड, बट अगर उस पर कुछ सर्विसेज फ्री नहीं होती तो आपको मिनिमम 10% या कुछ ऐसे पे करना पड़ता है। तो जिससे आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो मनी होती है वो इन चीज़ों में क्या है वो बच जाती है। फोर्थ, मेक श्योर कि आप आते ही यहाँ पे क्या है, अपना सिम कार्ड ले लो। आप जिस भी सिटी में आने वाले हो उस सिटी का चेक करो कि नेटवर्क कौन सा यहाँ पे सही आता है। नेटवर्क चेक करने के बाद आप प्लान्स चेक करके अपना सिम कार्ड जो है वो बाय कर लो। सिम कार्ड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि वो कैसे बाय करना है, तो आप वो वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। फिफ्थ, आपने अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करवा लेना है, सो दैट आपको कोई भी, आप जॉब कर रहे हो या अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कोई भी मनी रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो मोस्टली अगर यहाँ पे आप सिम कार्ड भी लेते हो या कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो, उसकी EMI कराते हो, तो वो आपके थ्रू बैंक ही कटती है। तो मेक श्योर कि आप आते ही अपना जो है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा लें। नेक्स्ट, आप जिस भी सिटी में जाने वाले हो, मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, देखें कि आपको कौन सा जो सामान है वो कहाँ पे मिल सकता है, सो दैट आपकी जो भी डेली नीड्स हैं, आपको राशन लेके आना है या आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए छोटे से छोटा, तो आपको पता हो कि वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़रूर करो अपनी सिटी को, सो दैट आपको बेसिक बेसिक चीज़ों की जो है वो इन्फॉर्मेशन हो और आप दूसरों को भी इसके लिए गाइड कर सकें। सो ये सारी तो थी आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेने हैं या आपने क्या करना है कनाडा आने के बाद। अब हम बात करेंगे कि आपको प्रोडक्ट्स कौन से चाहिए रहेंगे जब आप कनाडा आ जाते हो। तो फर्स्ट जो आपको चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी वो है विंटर जैकेट लेना। अगर आप जैन इनटेक में आ रहे हो या सितंबर लास्ट में आ रहे हो, जब आपकी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ की विंटर जैकेट लो। बिकॉज यहाँ पे जब जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री 3 डिग्री से जब डिक्रीज होने लगता है, तो हमारी जो इंडियन जैकेट्स होती हैं वो यहाँ काम नहीं आती है। बिकॉज यहाँ पे जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो तब आपको इंडियन जो जैकेट्स होती हैं उनमें सर्दी लगती है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आने के बाद एक जैकेट जो है वो जरूर बाय करें। जो गर्ल्स हैं वो ट्राई करें कि नी तक जो जैकेट है वो बाय करें, सो दैट आप जितनी बॉडी हो सके उसको कवर कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो बॉयज हैं वो मोस्टली यहाँ पे जो है वो शॉर्ट जैकेट्स प्रेफर करते हैं। आप शॉर्ट भी ले सकते हैं, अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो आप नी तक भी ले सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस पे वो डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे आने के बाद कॉस्को या फिर वॉलमार्ट से कहीं से भी अपनी एक जैकेट जो है वो बाय कर सकते हो।
के बाद सेकंड जो प्रोडक्ट चाहिए रहेगा वो चाहिए रहेगा आपको आपके विंटर शूज़। तो विंटर शूज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं बिकॉज आप इंडियन शूज़ में जो है वो विंटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके जो विंटर शूज़ हो वो आपकी एंकल से ऊपर तक के हों सो दैट उसमें स्नो ना जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसमें। तो आप मेक श्योर कीजिए, आप चेक कीजिए कि आपने कौन से जो विंटर शूज़ हैं वो बाय करने हैं जो आपके काम आएंगे, और आप अपने शूज़ जो है वो बाय करके। थर्ड जो प्रोडक्ट आपको चाहिए रहेगा वो आपको चाहिए रहेंगे ग्लव्स। आप जब भी यहाँ पे स्नो पड़ती है या विंटर पड़ती है तो आप बिना ग्लव्स के यहाँ पे नहीं वॉक कर सकते हैं, आपको बहुत ही मुश्किल आती है। आपने कभी स्नो रिमूव करनी है या आपने कहीं पे भी जाना है तो मेक श्योर आप अपने जो है एक अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स लीजिए। वुलन ग्लव्स को जो है वो अवॉइड कीजिएगा बिकॉज वो स्नो में गीले हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो मेक श्योर वाटर प्रूफ जो भी आपके ग्लव्स होंगे वो आप बाय कर लें, यहाँ पे आके भी आप बाय कर सकते हैं या आप इंडिया से भी बाय करके वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो प्रोडक्ट है वो ऑप्शनल है बिकॉज यहाँ का जो पानी होता है उसमें क्लोरीन होती है, तो हमें क्लोरीन वाटर की आदत नहीं होती। तो अगर आपको वो वाटर जो है वो अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे वाटर फिल्टर जो जग्स है या बोटल्स हैं वो आती हैं, तो आप मेक श्योर कि आप वो बोटल या वो जग जो है वो बाय कर लें सो दैट आपको यहाँ पे जो पानी है उसकी प्रॉब्लम ना आए और आप जो है वो कंफर्टेबली पानी जो है वो पी पाए। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली कंज्यूम करनी पड़ती है, तो उसकी जो पिक्चर है वो मैंने शेयर कर दी है। आप कोई भी जो जग या बॉटल है वो ले सकते हैं, वॉलमार्ट से जाके, कॉस्को से जाके या कहीं से भी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्वेरी हो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं द कनेडियन टॉक्स पे, वहाँ पर मैं डेफिनेटली समय निकाल के आपकी जो क्वेरीज है उनका आंसर करूँगी। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।